देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एका घोषणेद्वारे जे शेतकरी विरोधी तीन कायदे होते ते माघारी घेतलेले आहेत। हा शेतकऱ्यांचा मोठा विजयच म्हणावा लागेल। आपल्या देशात जो नारा आपण दिलेला आहे लाल बहादूर शास्त्री यांनी, जय जवान जय किसान, खऱ्या अर्थाने आज जय किसान हे सिद्ध झालेले आहे। याच्यातनं अनेक अर्थ निघतात। पहिलं की तुम्ही बहुमताच्या जोरावर तुम्ही ते कायदे पारित केले संसदेमध्ये, तरी देखील ते लोकांना मान्य झाले नाहीत। आणि खऱ्या अर्थाने जनशक्ती काय असते, लोकशक्ती काय आहे ते आज भारतीय जनता पार्टी आणि नरेंद्र मोदी यांना कळून चुकले असेल। त्याचा दुसराही अर्थ असा होऊ शकतो की मध्यंतरी काही निवडणुकांमध्ये, पोटनिवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीची हार झाली आणि मोदी विरोधी जे वातावरण आता देशात निर्माण होत आहे त्याची चाहूल आता यांना लागलेली आहे। आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका असो, अन्य ठिकाणच्या निवडणुका असो, शेतकऱ्यांच्या शिवाय आपण या निवडणुका जिंकू शकत नाही हे आता त्यांना कळून चुकलेलं आहे। अर्थातच हे जर का ही सुबुद्धी अगोदर झाली असती, साडेसात आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। जो किसान विरोधी जो कानून पारित हुए थे उनको उन्होंने खारिज कर दिया है। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और देश की स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी जीत किसानों की है। जबकि हम इस देश में नारा देते हैं जय जवान जय किसान, भारतीय जनता पार्टी को एक सबक आज मिला है। बहुमत के आधार पर आप कानून पारित कर सकते हो मगर देश की जनता का मन आप नहीं जीत सकते। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की हार साफ साफ दिखाई दे रही है। आने वाले चुनाव में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है, इस हार के डर की वजह से आज ये हुआ है। मगर मैं पूछना चाहती हूं सरकार को, जो 750 के ऊपर किसानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड टुडे दैट हिज गवर्नमेंट हैज टेकन द एंटी फार्मर्स लॉ, दे हैव विथड्रॉन इट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर द फार्मर्स। आई कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर फार्मर्स कम्युनिटी ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी एंड इट इज अ रियल विन। वी हैव गिवन अ स्लोगन, जय जवान जय किसान, एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। द भारतीय जनता पार्टी बिकॉज ऑफ इट्स मेजोरिटी हैड पास दीज लॉज बट दे कुड नॉट कन्विंस द पीपल, दे कुड नॉट कन्विंस द फार्मर्स एंड फाइनली दे हैड टू एक्सेप्ट द डिफीट इन फ्रंट ऑफ द फार्मर्स।